मम्मी भी साथ में है, डबल स्पीड के बाइक पे जा रहे हैं। बाइक में जाने का अलग ही मजा है, बहुत दिनों से कहीं बाइक पे लॉन्ग ड्राइव नहीं गए थे, तो अभी हम एक अच्छे से जगह जा रहे हैं। जगह का नाम है नामदा चिल्लू में और मंदारा गिरी बट्टा, मतलब मंदारा गिरी हिल, वो बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में है। हमारे घर की तरफ से तुमकुर रोड के, मैं यलंका में रहता हूँ तो वहाँ से तुमकुर रोड की तरफ से दिखा रहा था, और अंदर से हमारे लिए एडवांटेज ये है कि अंदर से एक शॉर्टकट दिखा रहा है। तो मैं क्या किया, चलो इसी तरफ चलते हैं, मौसम भी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बारिश भी नहीं है। बारिश है तो कहीं साइड में रुक जाएंगे, वो एक अच्छा अलग मज़ा ही है। और यहाँ पे मैंने मोबाइल को अब बार बार खोल के देख नहीं सकता मोबाइल को लोकेशन, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे फिट कर लिया है। यहाँ से मेरे घर की तरफ से देखो 1 hour 22 minutes अभी दिखा रहा है, जब मैं घर छोड़ा 1 hour 30+ कुछ था, 1 hour 22 minutes दिखा रहा है। और ये जाके कनेक्ट करेगा हसरगट्टा रोड, हसरगट्टा से फिर नलमंगला रोड, नलमंगला से हमको फिर वो तुमकुर रोड का हाईवे कैच करना पड़ेगा। मतलब मेरे घर से सिर्फ 5-10 मिनट के दूरी पे ही गांव है, पक्का गांव, गाय बकरी। गांव पक्का नहीं होता है, गांव कच्चा होता है। मेरी मम्मी बोल रही है कि ये तो एकदम पक्का गांव है, तो एक्चुअली शायद गांव तो पक्का नहीं होता है, गांव तो कच्चा होता है ना। हाँ, ये रोड मुझे याद है, इस रोड पे मैं आया था, कार लेके आया था। वाओ, क्या मस्त नजारे हैं यहाँ पे। देखो ये बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स पे, आउटस्कर्ट्स ही है क्योंकि यलंका ही आई थिंक लास्ट है। और मस्जिद बगल बगल में, देखो ये भी एक अच्छा गांव है, लोग मिलजुल के अच्छे से रह रहे हैं। बगल बगल में ही था राम मंदिर और मस्जिद दोनों। अब होता क्या है, यहाँ पे इंटीरियर है, छोटा गांव, अच्छे लोग तो शांत रहते हैं, अपना अपना काम करके अपने अपने भगवान को पूजते हैं। यही चीज़ अगर कहीं मेन सिटी में होती तो बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता। हम दिल्ली में यहाँ वहाँ पे देखते हैं कि बगल बगल में ही मंदिर मस्जिद हो तो उसमें कुछ अलग ही कंपटीशन लगा रहता है। ऐसे जाएंगे तो हसरगट्टा लेक मिलेगा, यहाँ से राइट लेके ये हसरगट्टा बस स्टॉप है, शायद मेन बस स्टॉप। यहाँ से राइट ले लेते तो हसरगट्टा, मैंने पिछले ब्लॉग्स में दिखाया था हसरगट्टा का लेक और वहाँ पे हाँ ग्रासलैंड्स, हसरगट्टा ग्रासलैंड्स।
तो हमको वहाँ पे प्रॉपर हसेगा का गांव है वो, तो हमको वहाँ पे नहीं जाना है, हमको नलमंगला की तरफ जाना है। तो हम यहाँ से और आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो ये लॉरी मिरर में दिख रहा है, कोई बच्चा चला रहा है और एकदम बीच में चला रहा है। लेफ्ट में वैसे जगह है, मेरे को दिख रहा है बहुत। जाने की जगह है, मम्मी मेरी पीछे बैठी रही ना, तो ब्रेक दबाने से पहले मम्मी बोल देती है कि यहाँ पे धीरे, यहाँ पे धीरे, यहाँ पे धीरे कर दो। धीरे होने के बाद फिर ये नहीं बोलती कि एक्सीलेटर दो जल्दी चलो, यहाँ पे धीरे, वहाँ पे धीरे। एक मेन इम्पोर्टेंट बात बोलना था कि यहाँ पे हेलमेट पहनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे वाह, वहाँ पे कोई तो हिल दिख रहा है, हिल हिल, लगता है हम उसी हिल में जा रहे हैं क्या। वाह, यहाँ पे भी कोई हिल दिख रहा है, कोई हिल दिख रहा है। वाओ, ऐसा लगता है यहीं पे हम चले चढ़ जाते हैं। हाँ, मैं इम्पोर्टेंट बात ये बोल रहा था कि हम ऐसे जगह से ड्राइव कर रहे हैं, मतलब राइड कर रहे हैं बाइक पे, कि हेलमेट पहनने की जरूरत ही नहीं है, राइट। लेकिन सेफ्टी, हेलमेट पहनना ही है। और एक चीज़ है कि मेरे हेलमेट में एक्शन कैमरा फिक्स किया हुआ है, तो ये व्लॉगिंग शूट जो हो रहा है वो फिर नहीं कर पाएंगे। उसको बाइक में फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मेरे बाइक में ना बीच में एक हैंडल लगवाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे एक हैंडल लगवाना पड़ेगा मेरे बाइक में, और उसमें इसको और मेरा जो ये कैमरा है इसको फिट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कोई टेम्पल है जय माता दी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे जो है यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। मम्मी को ना नलमंगला मेन रोड पे आ गए। इस रूट के अंदर आ गए हम, गूगल मैप्स में यही रूट दिखा रहा था। तो हम पूरा तुमकुर गए नहीं, तुमकुर रोड से हमने डिविएशन ले लिया, वहाँ एक फ्लाईओवर से उतर के नीचे से राइट ले लिया, ये दिखा रहा था। और यहाँ से 22 किलोमीटर और 30 मिनट्स दिखा रहा हूँ, मतलब रास्ता खुला ही होगा।
तिरु विदे निधान। यहाँ पे सब चढ़ाई इतना है कि मेरा जो बाइक है पुराना हो गया और चढ़ने में दिक्कत हो रहा है। क्या मस्त चल रहा है। এটা পুরো জঙ্গলের মাঝখানে আছে এটা। জায়গা দেখি यहाँ से एक्चुअली हुआ क्या, हमारा जो इजी वन एक्शन कैमरा था उस कैमरा में हमने जो माइक है यूएसबी वाला माइक उसको डाल के बाइक में चला रहे थे और उसमें एक सेटिंग है कि इंटरनल यू नो माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्डिंग एंड एक्सटर्नल माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्डिंग। तो हर बार जब हम वो डालते हैं यूएसबी माइक हेलमेट के साथ तो वो ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना पड़ता है सेटिंग में जाके, तो वो हम किए नहीं। तो यहाँ पे जो वहाँ पे लाइव ऑडियो है वो कुछ रिकॉर्ड नहीं। तो मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे मेन गेट है, उस मेन गेट से हम अंदर आ गए और नामद चिलुमे जो स्पॉट है उस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक बड़ा फ्रॉग है, मैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या बोला हूँ वो उतना याद नहीं है, बट आई विल ट्राई टू कवर अप कि हम क्या बात कर रहे थे। तो मम्मी भी बोल रही थी कि पहली बार आई है और देख के खुश हो गई है इस जगह को। राइट साइड में आप जो देख रहे हो फेंसिंग डाला हुआ है और उस तरफ उसको डियर पार्क बोलते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे हिरण हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लगा हमको देखने के लिए। वो मेन गेट के अंदर गाड़ी नहीं छोड़ते हैं पीछे मेन। और एक चीज, मेन गेट पे आई थिंक 10 rupees पर हेड टिकट है, ओनली फॉर एडल्ट्स, चिल्ड्रंस के लिए कोई टिकट नहीं है। तो हमने 20 rupees दिया और अंदर आए और आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये देवरायन दुर्गा जो है बहुत लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे हिल एरिया, तो उसके बीच में ही पड़ता है, उस ऑलमोस्ट उस वो स्टार्ट होने से पहले वहीं पे पड़ता है। तो यहाँ पे हमने आइए डोंट टच मी बड़ा सा कछुआ, यहाँ पे जो बड़ा फ्रॉग है, ये जो बड़ा सा टॉर्टोइस है और आगे जाके ऐसे और भी कुछ स्टैचूज बने हैं, इन सब के कुछ ना कुछ तो मीनिंग है मुझे लगता है यहाँ पे। और मतलब ये अच्छा जगह है, मुझे यू नो देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब ये जगह इसलिए जाना जाता है क्योंकि श्री राम जी जो है अपने 14 साल के वनवास के टाइम पे यहाँ से गुजरे थे, यहाँ पे रुके थे, तो यहाँ का एक स्टोरी भी है। तो इसीलिए ये जगह फेमस है और यू नो नेचर का जगह है, हिल्स के बीच में है, डियर पार्क है, वहाँ पे डियर्स दिखते हैं
और बोलते हैं कि एक्चुअली वाइल्ड एनिमल्स भी है लेकिन यहाँ पे थोड़े कम आते हैं, लेकिन कब आ जाएंगे ये बोल नहीं सकते। वहाँ के जो लोकल देखभाल करने वाले थे वो बोल रहे थे। तो हम यहाँ पे आ गए मेन स्पॉट पे जिसके लिए ये जगह फेमस है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा। यू नो मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था कि ये सब आयरन के फेंसिंग डाल के रखे हैं। मैं जब मतलब बहुत साल पहले कॉलेज डेज पे भी यहाँ पे आया था तो उस टाइम पे नॉर्मल थोड़ा फेंसिंग डाल के रखे थे, अभी ऊपर से भी पूरा क्लोज कर दिया। तो ये जो जगह है बोलते हैं कि यहाँ पे, और जो सत्य है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी जब वनवास पे यहाँ पे आए थे रुके थे तो यहाँ पे वो पूरा स्टोरी लिखा है, कन्नड़ा में लिखा है। तो यहाँ पे स्टोरी ये लिखा है कि जब सीता माता हर रोज राम जी को पूजा करते थे और तिलक लगाते थे तो इस जगह पे पूजा करके तिलक लगाते वक्त उनको दूर दूर तक कहीं पे भी पानी नहीं मिला। तो जब पानी नहीं मिला उन्होंने राम जी को कहा तो राम जी ने बाण चलाया और उन रॉक वाले मतलब हिल्स के बीच में, वो तो आपने देखा जहाँ से पानी उद्भव होके आ रहा था वहाँ पे उन्होंने तीर चलाया और वहाँ से पानी आने लग गया। तो उस पानी के हेल्प से फिर उन्होंने चंदन कुमकुम मिला के श्री राम जी को पूजा करके टीका लगाया। तो वो जो राम जी ने तब बाण चलाया था और पानी वहाँ से उद्भव हुआ वो पानी आज तक वहाँ से आ रहा है और ऐसे बह रहा है। यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं वहाँ से पानी आ रहा है जहाँ पे फेंसिंग डाल के रखे हैं, कोई उस यू नो एग्जैक्ट पॉइंट को छू नहीं सकता है। और वो और ऊपर यहाँ पे दिखा रहा था कि बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, तो हनुमान जी तो साथ होंगे हमेशा। वो बंदर ना कुछ फल खा रहे हैं वहाँ पे और उसके जो टुकड़े हैं वो हमारे यू नो सिर पे बदन पे ऐसे गिर रहे हैं। तो यहाँ पे मस्त जगह है, मतलब एकदम कूल प्लेस है। एक्चुअली मैं सोचा था कि बहुत अगर धूप हो गया तो इन पत्थरों पे पैर नहीं रख पाएंगे, बहुत ही गर्म प्लेस होगा। तो मम्मी भी यहाँ पे आके देख रही है तालाब। और थोड़ा हम सामने गए, हाँ वहाँ पे आप जो देख रहे हो वहाँ पे सिटिंग एरिया ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे भी बैठने का जगह है, ऊपर वहाँ तक चढ़ सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पे मतलब कोई वे नहीं है, बस ऐसे बैठने के लिए जगह अच्छा है। और ये एक तालाब जैसे बन गया है, यू सी पूरा ग्रीन ग्रीन जो पत्ते हैं वो ढक गए हैं क्योंकि वहाँ से जो पानी आ रहा है वो सब बह बह के इस तालाब में जाके मिल रहा है। लेकिन ये तालाब वैसे फुल नहीं हो रहा है, ये मतलब ऐसे लाखों सालों से 24 आवर्स पानी आ ही रहा है और इस तालाब में जा रहा है। तो इसका भी कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, ये पानी कहाँ जा कहाँ रहा है। थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। कैमरा का EIS भी सेटिंग नहीं किया तो बहुत ही शेकी शेकी सा आ रहा है कैमरा। तो ये क्रोकोडाइल, यहाँ पे क्रोकोडाइल भी है, नॉट रियल वन क्रोकोडाइल, ऐसे इसका स्टैचू बना के रखा गया है। देख लो क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर क्या है। ऐसे इसका स्टैचू देखने में ही अजीब सा डर लगता है कि सडनली अगर मुंह खोल दे और मुंह के अंदर हाथ रखे और काट दे तो रियल का कितना डर लगेगा। छुआ ही नहीं इसको, राइट। तो मम्मी भी जो है चेक करे, मम्मी दांत चुके देखो दांत। वैसे अच्छे हैं क्योंकि राम जी के वनवास के टाइम पे वहां पे थे और ये लोग फोटो, बाप रे क्रोकोडाइल पे बैठ के ही फोटो ले रहे हैं। यहाँ पे वैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही कम लोग हैं। यहाँ पे एक कुछ आई थिंक घर जैसा है लेफ्ट साइड में, शायद यहाँ पे कोई मेंटेन करने वाले अथॉरिटीज कोई रहते होंगे फॉरेस्ट के, इन जगह को देखभाल करने।
तो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि मैं सोचा यहाँ पे बहुत धूप पड़ रहा है तो इन ये पत्थर सारे बहुत गर्म होंगे तो इनके ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे पैर रख के जब चढ़ा तो देख रहा हूँ ठंडा ही है, कूल है, और यहाँ पे पानी भी ऊपर यू नो पहाड़ से ना कुछ पानी ऐसे नीचे बह रहा है। सो आई थिंक हम जो मौसम में आए हैं वो अच्छा है, उतना हॉट नहीं है तो ये पत्थर उतने गर्म नहीं है, क्योंकि आई रिमेम्बर कुछ सालों पहले जब मैं आया था तो इन पत्थरों पे पैर रखना मुश्किल था, थोड़ा गर्म था, तो हम चप्पल पहन के आ गए थे और ऊपर चढ़ रहे थे फ्रेंड्स के साथ। तो ये रहा आपको वो स्पॉट दिख रहा है जहाँ पे लोग आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं उस स्पॉट को जहाँ पे राम जी खड़े होकर बाण चलाए थे, और मम्मी को भी अच्छा लगा, मम्मी भी चढ़ के ऊपर तक आ गई, आज अच्छा एक्सरसाइज हो गया एक्चुअली। और ऐसे जगह पे ये चढ़ाव उतार ये सब कुछ यू नो स्ट्रेस फील ही नहीं होता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है और अच्छा लगता है, क्योंकि सिटी में रह रहे के ऐसे वो चीज़ें यू नो बहुत ही स्ट्रेसदायक होता है। वहाँ पे भी हाँ जो पानी उद्भव हो रहा है यहाँ से भी थोड़ा पानी बह रहा है, बहुत ये बैंगलोर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे यलंका से तो मेरे घर से यू नो यलंका इज इन द एयरपोर्ट रोड, वहाँ से तो ये जगह 65-70 किलोमीटर से इतना ही दिखा रहा था, तो बाइक पे मैं बहुत आसानी से आ गया। अगर कोई बैंगलोर के हार्ट पे रहता है वहाँ से यहाँ पे आने में तो मैक्स टू मैक्स 70-80 किलोमीटर होगा शायद, और एक बार तुमकुर रोड पे आ गए तो वो एकदम हाईवे है, स्पीड आ जा सकते हो। तो आई थिंक यू नो आई रिकमेंड एवरीवन हु आर इन बैंगलोर स्पेशली, बाहर कोई भी आ सकता है, ये श्री राम जी का जगह है एपिक जगह, लेकिन बैंगलोर में जो है वो एक दिन के लिए तो आराम से आके जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए क्योंकि मस्त जगह है देखने के लिए आसपास सब कुछ, मैं और मम्मी, तो मैं मम्मी को एक्चुअली ये बोल रहा था कि हम लोग जब कॉलेज डेज पे फ्रेंड्स के साथ आए थे तो यहाँ पीछे की तरफ ना जो आपको जगह दिख रहा है वहाँ पे वो ऊपर चढ़ गए थे मैं और मेरा एक फ्रेंड, तो कुछ फ्रेंड नीचे ही थे और हम दो फ्रेंड बहुत एक्सप्लोर करने का यू नो क्यूरियोसिटी था तो ऊपर चढ़ गए थे, इतना घने जंगल था और अंदर तक चढ़ गए थे कि फिर थोड़ी देर बाद एक 10-15 मिनट बाद हमको समझ में नहीं आया कि हम कहाँ तक चले गए और वापस कैसे जाना है, और एकदम डेंस था, बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, ऊपर भी यू नो स्काई भी एकदम ढक ढक सा गया था। तो फिर क्या किया हम लोग धीरे धीरे करके जैसे आए वैसे ही, क्योंकि कोई वे भी नहीं है ना, वैसे ही वापस आने का कोशिश किए और यहीं पे आके निकले बाहर। मतलब ऐसा लगा हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कुछ, किसी ने हमारा ब्रेन को स्टॉप कर दिया है, अब हम गेस नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि नेक्स्ट आगे और कहाँ जाए, ऐसे लगा कि नहीं वापस चले जाऊँ। तो ये चीज़ मैं जब मम्मी को बता रहा था तब मम्मी अब वहाँ पर डांटना शुरू कर दी कि देखो हम लोग पेरेंट्स हमको बताते नहीं ऐसे कुछ करते हैं फ्रेंड्स के साथ और हमको वरी होता है, ये अब मेरे को बता रहा है ऐसे। तो मैं मम्मी बोल रही है कि कोई भी लड़के लोग यहाँ पे आए तो जगह को देखो एंजॉय करो, लेकिन ऐसे सब कहीं और आउट ऑफ लिमिट मत चले जाना, क्योंकि पेरेंट्स को फिर टेंशन होता है क्या हो जाएगा क्या नहीं हो क्या ऐसे। तो कुछ देर हम यहाँ पे बैठे रहे, अच्छा लगा, फिर हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भी जाना था और भूख भी लग गया है क्योंकि लंच टाइम ओवर ऑलमोस्ट 2:30 बज रहा था, तो चलो अब निकलते हैं। निकलते वक्त भी मम्मी चप्पल उतार के नमस्कार कर रही है, अच्छा जगह है एकदम। एक चीज तो है कि यहाँ का जो खुशबू है वाव, क्योंकि एयर पोल्यूशन नहीं है, कोई हेवी गाड़ियाँ यहाँ पे ज़्यादा आती नहीं है, तो एकदम घने जंगल, तो जो वो प्योर ऑक्सीजन का जो खुशबू है वो मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि पूरा हमारा सिटी में रह रहे के लंग्स नोस जो है एकदम खराब ही हो गया था, यहाँ पे आके एकदम डिटॉक्स हो गया।
तो एक चीज़ है, मम्मी बोल रही है कि ये भी दिखा दो, बसवन्ना है यहाँ पे बैठे, नंदीश भगवान, कर्णा में बसवन्ना बोलते हैं, नंदी भगवान का स्टैचू। और थोड़ा सामने जाते जाते ये शायद कोई अथॉरिटीज़ का, जो मैंने बोला अथॉरिटीज़ का जगह होगा रहने के लिए यहाँ पे, क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस यहाँ पे दो दिन रह के जाओ, लेकिन शायद ये गवर्नमेंट का जगह होगा, रहने नहीं छोड़ेंगे। पीछे भी वहाँ पे भी एक गेस्ट हाउस जैसा कुछ दिख रहा है, और थोड़ा सामने गए जंगल, जंगल घना जंगल के अंदर जाने में वो भी एक मज़ा है। और सामने गए और सामने गए, ऐसे पाथ एकदम नैरो हो गया, फिर मम्मी बुला रही है कि और अंदर मत जाओ, आ जाओ वापस भी जाना है। देखो पूरा एक राउंड, फिर हम बाहर निकल रहे थे तो सोचे और थोड़ा पास जाके ये डियर को देखते हैं, वो हमसे डरेंगे या हमको उनसे डरना है कुछ। फिर जाके एकदम कैमरा पास में रख के देखा तो फिर ये मुझे लगा, क्योंकि दूसरे कहीं जगह पे हम गए थे तो डियर जो है वो डर के भाग के दूर चले गए थे, तो ये डियर तो हमसे डरे ही नहीं, ये तो पास में वैसे ही खड़े हैं। तो देखने में मज़ा था, कैमरा में उतना कुछ यू नो अच्छे से शायद ये नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा है। लेकिन दूर दूर तक मुझे कहीं पानी नहीं दिख रहा है, बहुत सनी मौसम है तो आई थिंक इनको पानी भी चाहिए होगा खेलने के लिए, पीने के लिए शायद पीछे कहीं होगा। लेकिन ये बीच बीच में छोटा पॉन्ड जैसे पानी का इंतज़ाम किया हुआ स्ट्रक्चर्स है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। ये बंदर, बंदर डियर फ्रेंड्स हैं, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। वैसे दूसरे जगह पे जैसे बंदर बहुत ही शरारती है, मैंने ऐसे बॉडी पे चढ़ जाते हैं खाना वाना कुछ छीनने के लिए, वैसे यहाँ पे नहीं है, बहुत ही कूल बंदर है। तो यहाँ पे और देखेंगे ठीक से तो बहुत सारे डियर है, बहुत सारे। नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो इनके लिए कुछ, ये लोग मतलब क्या खाते हैं देख के वो लाना पड़ेगा, केला या केला तो बंदर खा लेंगे, डियर क्या खाते हैं कमेंट कीजिए, डियर क्या खाते हैं, तो कि नेक्स्ट टाइम जब विजिट करेंगे तो वो हम ला पाए। और आप भी कोई विजिट करना चाह रहे हैं, मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए इस जगह को। मुझे तो लगा था कि इतने साल हो गए, सालों बाद जा रहा हूँ तो बहुत क्राउड हो सकता है, लेकिन मैं देखा यहाँ पे उतना कुछ क्राउड है ही नहीं। आएंगे सुबह से शाम तक आराम से बैठेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कुछ खाना पार्सल करके लेके आ जाएंगे, तो यहीं पे बैठ के खा भी सकते हैं, मस्त रहेगा। तो यहाँ पे एक बड़ा क्रैब का भी स्टैचू है, सबको स्टडी करना है कि ये ऐसे क्यों है यहाँ पे, क्योंकि राम जी रुके थे। ये यही एक बड़ा आनंद है कि राम जी यहाँ पे रुके थे, गुजरे थे, जो कि बैंगलोर के बहुत पास है, जिसको हम जाके स्पर्श कर सकते हैं और उस पानी को पी सकते हैं। मैंने पिया, बहुत लोग ऐसे तीर्थ जैसे पी रहे थे। तो इस बोर्ड पे बहुत डिटेल्स लिखे हैं यहाँ के बारे में, और बाहर आ गए तो मेन गेट के बाहर ये बोर्ड है जहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि ये एक्चुअली ट्रैकिंग का प्लेस है, और वो जो ट्रैकिंग का जो लैप है पाथ वो कैसा है, कहाँ से आके कैसे जाना है। देवरायन दुर्गा ट्रैकिंग पर बहुत लोग आते हैं बाइक में। अभी हम इतने देर से नामद चिलू में, इस जगह का नाम है नामद चिलू में, और थोड़ा आगे जाते तो वहाँ पे देवरायन दुर्गा का हिल मिलता, तो अभी वो हिल पे चढ़ना है, तो हम उस तरफ और गए नहीं, क्योंकि हम यहाँ से और एक जगह जा रहे हैं, ये वापस तुमकुर रोड जाते वक्त ऑन द वे ही मिलता है, और उस जगह का नाम है मंदारागिरी बेट्टा। मंदारागिरी बेट्टा वो भी एक हिल है, हाँ मंदारागिरी हिल है। तो यहाँ से ऑन द वे बैक ही ये दिखा रहा है देखो 18 किलोमीटर 29 मिनट्स, मतलब यहाँ से आधा घंटा, वहाँ पे जाके फिर वहाँ से निकलेंगे। अभी ऑलरेडी 2:30 बज गए हैं लंच टाइम, तो थोड़ा भूख भी लगना शुरू हो गया है। तो एक काम करते हैं, ये वे तो हमने पूरा रिकॉर्ड किया ही है, आपको दिखाया ही है आते वक्त, तो यहाँ से चलते हैं मंदारागिरी हिल और फिर वहाँ पे ब्लॉगिंग करते हैं।